नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे, आपके परिवार में भी सब ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीकासोल कैप्सूल के बारे में, इसके यूजेस क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसको लेने का सही तरीका क्या है, इसको कौन ले सकता है और इसको कौन नहीं ले सकता है, क्या इसको प्रेग्नेंट लेडी ले सकती है, ये कितने MRP का आता है, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी कोई नई वीडियो आती है तो वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए दोस्तों हम फाइनली अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें, बीकासोल आपका एक मल्टीविटामिन कैप्सूल है, इसके अंदर काफ़ी सारे मल्टीविटामिन प्रेजेंट होते हैं और दोस्तों इसमें विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है। ये आपको सिरप फॉर्म तथा टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाता है। ये ओवर द काउंटर ड्रग यानी कि OTC होती है, आप इसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं और यह आपका 20 कैप्सूल का पत्ता आता है। अगर बात करें इसकी MRP की तो आपको 55 रुपये का हर किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। यदि किसी व्यक्ति को वीकनेस यानी कि कमज़ोरी रहती है तो इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। इसका प्रयोग हेयर फॉल यानी कि किसी व्यक्ति के बाल झड़ते हैं या सफ़ेद हैं तो इस कैप्सूल का यूज हम करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक है तो यह कैप्सूल इम्यून सिस्टम को पुश करने का काम करता है और यदि आपके मुंह के अंदर छाले हो गए हैं तो ये उनको ठीक करने का भी काम करता है। यदि किसी व्यक्ति की स्किन डल हो चुकी है और साथ ही साथ नेल ख़राब हो चुके हैं तो स्किन और नेल को हेल्दी और साइन रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को एनीमिया यानी कि खून की कमी हो गई है तो खून की कमी को दूर करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो आप इस कैप्सूल का प्रयोग करके उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके डोज की। तो दोस्तों आपको बता दूँ, खाना खाने के बाद आप एक एक कैप्सूल इसको ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स, इसके कुछ कॉमनली साइड इफेक्ट्स हमको देखने को मिले हैं। तो आपका पहला है स्किन रेसेस, आपके स्किन पर रेसेस हो सकते हैं। नोजिया यानी कि आपको उल्टी सी आ सकती है, उनको हम नोजिया कहते हैं। वोमिटिंग, उल्टी आना, डिजीनेस, चक्कर आना, स्टमक आपका अपसेट हो सकता है, आपका पेट है वो थोड़ा अपसेट हो सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रिकॉशन की। यदि किसी पेशेंट को लीवर की डिसीज़ है तो इसको ये कैप्सूल नहीं लेना है। यदि किसी व्यक्ति को किडनी की डिसीज़ है उसको भी ये नहीं लेना है। और साथ ही साथ किसी व्यक्ति को हार्ट डिसीज़ है तो उसको भी ये कैप्सूल बिल्कुल भी नहीं लेना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ आपकी दवाइयाँ होती हैं, यदि आपकी वो चल रही हैं तो उसके साथ में भी इस कैप्सूल को हम नहीं लेते हैं। जैसे कि आपकी एंटीबायोटिक, कुछ दवाइयाँ चल रही हैं जिसमें से आपकी आती है क्लोमफेरिनोल, ये आपकी चल रही है तो आपको ये कैप्सूल नहीं लेना है। नेक्स्ट है आपकी एंटी एपिलेप्टिक यानी कि आपकी दौरे की दवा चल रही है, इसमें आपकी आती है फेनिटोन, तब भी आपको ये कैप्सूल नहीं लेना है। नेक्स्ट जो है वो आपकी है सिपाटिन यानी कि एंटी कैंसर, यदि आपको कैंसर है तो इसको भी आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट जो है वो आपकी है एंटी कोलेजेनिक यानी कि लेवोडोपा, तब भी आपको इस कैप्सूल को नहीं लेना है। दोस्तों अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।